यस बेटे, कल अपना विस्मिक ते किस्मा कितने सी स्टार्ट विस्मिक या किस्मा सब बच्चों को क्लियर हो गई हैं। अपना विस्मिक चुनो ते किस्म दसो दे फोर सेंटेंस लिखे सी, अगे सेंटेंस लिखो फोर फाइव सेंटेंस फोर लिखो, फिर अपना नवा टॉपिक कर दे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज नेक्स्ट लिखो बेटे, वेख्यो वेख्यो वेख्यो, ये बीमारी बहुत खतरनाक है, यह बीमारी बहुत खतरनाक है, वेख्यो यह बीमारी बहुत खतरनाक है। अपा विस्मिक नु चुनना है, फिर किस्म दसनी है। विस्मिक चुनन लई विस्मिक शब्द ते विस्मिक चिन्ह नु अंडरलाइन करना जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस, उफ ये बहुत यह नहीं, आज बहुत गर्मी है। नेक्स्ट जी आया नू जी आया नू तुसी साडे घर आके साडा मान वधाया, जी आया नू तुसी साडे घर आके साडा मान वधाया। जी आया नू तुसी साडे घर आके साडा मान वधाया। नेक्स्ट सेंटेंस, नी कुड़िये नी कुड़िये इस वेले किधर चली है, इस वेले किधर चली है, नी कुड़िये इस वेले किधर चली है। नेक्स्ट सेंटेंस, बड़ी उम्र होवे बड़ी उम्र होवे खूब तरक्कियां करो, खूब तरक्कियां करो, वड्डी उम्र होवे खूब तरक्कियां करो, जा जीवन विच सफल होवो। तरक्कियां करो तो बस डंडी पा लो बेटे, खूब तरक्कियां करो जा जीवन विच सफल होवो। हो गए बच्चे 10 सेंटेंस, 9 एक सेंटेंस और लिखो, सदके ओए सदके ओए तू साडे सुपने पूरे कर दिते, सदके होए तो साडे सुपने पूरे कर दिते।
हुण एदे अकॉर्डिंग तुसी चुनो ते किस्म दसो करना है। फर्स्ट सेंटेंस बोलो। यस, फर्स्ट सेंटेंस इज शाबाश, तू पिंड दा नाम रोशन किता। किन्नू चुनोगे? शाबाश। केड़ी किस्म? प्रशंसावाचक। सेकंड सेंटेंस बोलो। हे मालका सरबत दा भला करी। हे मालका नाल विस्मिक चिन्ह अंडरलाइन करो। इच्छावाचक विस्मिक। हे मालका इच्छावाचक विस्मिक। थर्ड सेंटेंस, कमाल है। हैरानी वाचक विस्मिक। कमाल है तो बात, कमाल है तो बात। कमाल है केड़ा विस्मिक? हैरानी वाचक विस्मिक। सत्यानाश, ये सब्जी किसने बनाई है? सत्यानाश। फिटकार वाचक विस्मिक, फिटकार वाचक विस्मिक। अगला सेंटेंस बोलो। वेख्यो, ये बीमारी बहुत खतरनाक है। वेख्यो सूचना वाचक विस्मिक। वेख्यो नाल चिन्ह नु भी अंडरलाइन करना। वेख्यो सूचना वाचक विस्मिक। नेक्स्ट सेंटेंस, उफ अज बहुत गर्मी है। उफ शोक वाचक विस्मिक। केड़ा विस्मिक बेटे? उफ अज बहुत गर्मी है। जी आया नू तुसी साडे घर आके साडा मान वधाया। जी आया नू सतिकार वाचक विस्मिक। नेक्स्ट सेंटेंस, नी कुड़िए इस वेले किधर चली है? नी कुड़िए संबोधनी विस्मिक। लास्ट वन इज सदके ओए, तू साडे सुपने पूरे कर दिते। हां जी, सदके ओए प्रशंसा वाचक विस्मिक। सदके ओए प्रशंसा कीती है ओदे। वड्डी उम्र होवे, ओ अलग है, तुसी खूब तरक्कियां करो। वड्डी उम्र होवे असीस वाचक विस्मिक। वड्डी उम्र होवे असीस वाचक विस्मिक। हो गया बेटे क्लियर? हां जी। सदके होए प्रशंसा वाचक विस्मिक। प्रशंसावाचक विस्मिक। हो गया बेटे क्लियर सबनो? अब बैक एक्सरसाइज 69 पेज और 70 पेज तुसी कंप्लीट करके लियानी है। नेक्स्ट वीक जो तुहाडा पीरियड आना है थर्सडे तक, ठीक है? सब बच्चे कर लोगे कंप्लीट 69 एंड 70 पेज? बैक एक्सरसाइज ऑफ ग्रामर पेज 69 और 70। पेज नंबर 83 ओपन करो। 83 75। पिछेतर करन लई यस बेटे, पिछेतर करन लई पहले समझो पिछेतर किसका वर्ग है। कोई दस सकदा किसका वर्ग है पिछेतर? जदों आपां अगेतर कीते सी फर्स्ट टर्म च, उदों मैं तुहानूं एक टेबल बनवाया सी बच्चे टेबल, के अगेतर पिछेतर किसा वर्ग हन, कौन दसेगा?
अगेतर पिछेतर किसका वर्ग हन? कोई रिस्पांस नहीं। चलो ध्यान नाल देखो, शब्द पहले एक पेज ते पिछेतर टाइटल देके एक पेज ते पूरा टेबल बनाओ, उस तो बाद पिछेतर करने हन। शब्द तो बाहर लिखो मूल शब्द, रचित शब्द, नाल शब्द दी पहले डेफिनेशन समझो। शब्द किनू कहंदे ने, तो तुहानू आप नू आंदा। अखरां दा मेल शब्द है, अखरां दा मेल की है शब्दां दे मेल नू वाक कहंदे आपां, जिवें वाक करदे ना साधारण वाक, संयुक्त वाक, मिश्रित वाक। शब्द अगों मूल शब्द, रचित शब्द। मूल शब्द की होंदे ने जिहड़े अपने आप विच पूरे होण, जिहड़े किसी होर शब्द की सहायता तो बिना बनन। ठीक है, मूल शब्द फॉर एग्जाम्पल जमात। ठीक है, एक पूरा शब्द है। दुख, सुख, स्कूल, ये सारे की हन? अपने आप च पूरे शब्द। ठीक है, घर, बोली, ये सारे मूल शब्द हैं। रचित शब्द की होंगे ने जेड़े मूल शब्दों की सहायता ना रचे जान, जेड़े मूल शब्दों तो बिना ना रचे जान। रचन का मतलब यह है कि होर शब्द हूँ अगो। रचित शब्द दियां दो किस्म ने, जेड़ी एक किस्म तुसी ऑलरेडी कर चुके, समासी शब्द, जेड़े वख वख किस्म के तुसी समासी किते, जिहड़ा दो जा दो तो वध शब्दां दे मेल नूं जदों जोड़नी चिन्ह लगदा है तां की बनदा है? समासी शब्द। ये ऑलरेडी कर चुके। समासी शब्द दे क्वेश्चन आए किसका वर्ग है? रचित शब्द। ठीक है, हुण इहदा दूसरा वर्ग की है? उत्पन्न शब्द। उत्पन्न शब्द हुण इह वी क्वेश्चन आ सकदा, उत्पन्न शब्द किसका वर्ग है? रचित शब्द दा। उत्पन्न दा की मतलब हुंदा है? होर शब्द उत्पन्न होने। वह उत्पन्न किवें होणगे? मूल शब्दों के अगे जां पिछे लग के कुछ, जिहड़े अगे लगणगे अगेतर, जिहड़े ऑलरेडी तुसीं फस्ट टर्म च कीते, जिहड़े पिछे जुड़ के नवे शब्द बनाउणगे पिछेतर। यह पहला पूरा टेबल बनाओ। ठीक है, फिर ते एक पेज ते फिर नीचे लिखो पिछेतर कहंदे किनू ने। इसे पेज ते पिछेतर किनू कहांगे? पिछेतर किनू कहांगे? हुण दसो मूल शब्दां दे पिछे जुड़ के नवा शब्द भी किस तरह का बनाना है? सार्थक। सार्थक का की मीनिंग होंदा? जिसका कोई अर्थ होवे। अगेतर दे विच जिहड़ा शब्द लगदा सी ओ पर्टिकुलर सार्थक शब्द ही लगदा, पर पिछेतर च कई वारी, पहले समझ लो पिछेतर बनाने तो पहला, पिछेतर च कई वारी किसी शब्द का मीनिंग नहीं भी होंदा, पर जदों उहदे नाल पिछेतर जुड़ जाता है तो एक नवा शब्द बनता है, वह भी की? सार्थक। सार्थक शब्द तो की भाव है? जिसका कोई मीनिंग हो। सार्थक निरार्थक वाले समासी शब्द कितने हुए ना? निरार्थक जिसका कोई मीनिंग ना हो, सार्थक जिसका कोई मीनिंग हो। और हमेशा अगेतर पिछेतर वाले शब्द जड़े ने मीनिंगफुल होने जरूरी है। अगेतर तुहाडे फर्स्ट टर्म का पार्ट सी, हुण अगेतर नहीं आने, हुण आपां करने हन पिछेतर। एक मूल शब्द दिता होया, पहले डेफिनेशन लिख ली, मूल शब्दां दे पिछे जुड़ के नवा सार्थक शब्द बने, नवे सार्थक शब्द बनन, उन्हां नूं की कहने हां? पिछेतर। फॉर एग्जाम्पल जिवें आ मूल शब्द है प्लस पिछेतर,
ये फर्स्ट पेज ते करना, फिर सेकंड पेज ते तां 3-3 लाइंस लगा के करने पिछेतर, जिवें तुसीं करदे हो, जिवें तुहानूं दस्या होया। एक पासे आपां की लिखना पिछेतर, फिर अगे 3-3 शब्द बनाने। हुण मूल शब्द कोई भी वर्ड है, जिवें दुख, हुण इहदे नाल किहड़ा शब्द पिछेतर लावांगे कि एक नवां शब्द सार्थक बनेगा। कोई भी लगाओ, 2-3 तरह के वर्ड बनते हैं। चलो ये थान से मैं शर्म वर्ड लिख देनी हूं। शर्म सार पिछेतर लग गया तो की बन गया, शर्मसार। होर भी लगता शर्म नाल कोई अगे पिछेतर दसो। शर्म नाक, शर्मनाक। होर भी कोई वर्ड लगता पिछेतर, शर्म जमा, इला की बनिया, शर्मिला। कोई होर वर्ड, कोई होर वर्ड भी बनता है शर्म नाल। जे कोई होर पिछेतर लग्या होवे, शर्म जमा अकल की बनिया, शर्माकल। आ गई समझ? हुण एक होर तुसी कोई इहदे च कोई कोई पॉइंट नोट किया, जिहड़े आ ए ई है ना, उन्हां दी आवाज आनी जरूरी है। जे इदां शर्म जमा अकल लिखे शर्माकल लिखांगे तां गलत हो जाएगा। आ देखो गलत है स्पेलिंग, ठीक है ना। इदां ही शर्म जमा इला लिखे शर्मिला इदां लिखांगे, ये की है रोंग। आ ए ई दी की आनी चाहिदी है आवाज, ठीक है। पूरा शब्द उवें नहीं लिखोगे, पर जदों अलग करोगे, लिसन, जदों मूल शब्द अलग करोगे तो पूरा शब्द केड़ा अलग करोगे, जेड़ा मूल शब्द है। आ मूल शब्द ने इन्हें नाल की लगे पिछेतर, की बन गया एक नवा सार्थक शब्द। इन्हां सब दा मीनिंग है शर्मसार, जेड़ा शर्मिंदा होवे, शर्मनाक भी सेम, शर्मिला जेड़ा संगदा होवे किसी को, शर्माकल भी संगदा होवे। ये दोनों मीनिंग अलग अलग हो गए, पर मीनिंग तो है ना इस तरह ही। जे अलग अलग कोई वर्ड दिया एग्जाम्पल देनिया हो दसो, कोई होर एग्जाम्पल देनिया हो, जिवें डाक जमा खाना, डाक खाना, ठीक है, दवा खाना, ठीक है, हो गया क्लियर। पर जे आना पिछेतर आवे, जुर्म जमा आना, हुण जुर्माना ऐदा लिख दोगे पूरा आना लगा के, वो तो गलत हो जाएगा। देखो जुर्म जमा आना है तर रोंग हो गया, किवें लिखांगे आपां? जुर्म ते आ दी आवाज, जुर्माना, ठीक है। इन्नी एग्जाम्पल लिख लिया सबने, हुण नेक्स्ट पेज ते स्टार्ट करिए। हुण आपां स्टार्ट करिए बेटे टेबल बना के पिछेतर। नेक्स्ट पेज ते सब बच्चा ने फर्स्ट पेज ते यही टेबल बना लिया बेटे। किसे नु कोई डाउट होए कि पिछेतर कहंदे किनू ने, दसो पिछेतर किसा वर्ग है? मैं उन्हें इरेज कर दिता। उत्पन्न शब्द दा पिछेतर लगे शब्द, केड़े शब्द बनते ने? सार्थक शब्द। ये किन्ना नाल लगते हैं? मूल शब्दा नाल। किन्ना नाल लगते ने बेटे? हुण आपां इधर लिखिए पिछेतर, ठीक है। इत्थे लिखिए नवे बने शब्द, एक एक लाइन छोड़ के सब बच्चे स्केल नाल लाइन लगाओ। हुण जिहड़े पहले दो वर्ड ने तुहाडी बुक च, इन्हां दे वर्ड सेम बनने, ओ किवें? एक है ओदी आवाज, एक है ओदी आवाज, एक है ऊ दुलेंकर नाल, पर वर्ड सेम बनाने हैं पर मीनिंग अलग अलग हो जाने। फॉर एग्जाम्पल कम जमा ओ कमाऊ, तुसी खूब कमाओ। देखो वड्डिया ने ब्लैसिंग दे दी, बच्चों तुसी खूब पैसा कमाओ, खूब खूब दौलत कमाओ। इत्थे की आ गया? जिहड़ा बच्चा कमांदा उन्हूं की कहने? कमाऊ पुत्र है,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਭੜਕਾਓ, ਭੜਕਾ ਜਮਾ ਉਹ ਭੜਕਾਓ, ਕਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾਓ। ਭੜਕਾਓ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭੜਕਾਊ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭੜਕਾਊ ਖਬਰਾਂ। ਭੜਕਾਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਡ ਸੇਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਊੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਊੜਾ ਖੁੱਲੇ ਨਾਲ ਵਰਡ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਜੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕਣ ਨੇ ਤਾਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕਣ। ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਵਿਕਾਓ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਿਕਾਓ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਕਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਘਰ ਵਿਕਾਓ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਿਕਾਓ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਗੁਆਓ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਗੁਆਓ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਗੁਆਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਆਊ। ਡਨ, ਦੋ ਵਰਡ ਹੋ ਗਏ ਕਲੀਅਰ ਸਭ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਬਣੇ ਨਾ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਅੱਛਾ, ਲਿਸਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਵਰਡ? ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿਛੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਕਰੀਏ, ਅਲ। ਵੈਸੇ ਅਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਈ ਐਲ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਉਬਲੀਕ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਐਲ ਹੁੰਦਾ ਵਰਡ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਸੜ ਜਮਾ ਈਅਲ, ਸੜੀਅਲ। ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬੇਟੇ, ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਮਰ ਜਮਾ ਈਅਲ, ਸੜੀਅਲ, ਮਰੀਅਲ, ਅੜੀਅਲ, ਘੜੀਅਲ, ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਘੜੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਅਕਲ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਕਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਲ, ਨਾਣਾ ਨੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ? ਨਾਣਾ, ਦਿਸ ਵਰਡ ਅੜਾੜਾ ਡਲਣਾ ਬੇਟੇ, ਅੜਾੜਾ, ਅੜਾੜਾ। ਅਕਲ ਸ਼ਰਮਾਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੂ ਹੋਏ ਡਰਾਕਲ, ਭਜਾਕਲ, ਨਹੀਂ ਗਲਤ, ਉਹ ਵਰਡ ਬੋਲਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੁੱਕ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਲ ਪਿਆਕਲ ਹੈ, ਪਿਆਕਲ। ਵੈਸੇ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਊ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਕਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੀ ਜਮਾ ਅਕਲ, ਪਿਆਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਸ ਇਯਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪਿਛੇਤਰ ਚ ਉਹ ਵਰਡ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ਚ ਆਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਣਾ ਗੇ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਅਣਾ ਨਾ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬਣ, ਬੰਗਾਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਣੀ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾ ਕੇ, ਅਣੀ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ? ਵਕੀਲਣੀ, ਭਗਤਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਣੀ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਜਠਾਣੀ, ਸਠਾਣੀ, ਨੌਕਰਾਣੀ, ਚੌਧਰਾਣੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ ਅਗਲਾ, ਪਨਵਈਆ, ਗਵਈਆ, ਮੁਲਖਈਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਬੇਟੇ, ਇਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ 10th ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਅਈਆ। ਗਵਈਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਗਵ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਗਵਈਆ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਦੈਨ ਪਨਵਈਆ,
मैं झूठा नहीं खाना एक दूसरे का झूठ नहीं हो पण भैया देन उस रैया जड़ा उसारदा है किसे बिल्डिंग नू उसारदा है किसे कौम नू उसारदा है उस रैया जिवें सिख कौम दा उस रैया सिख कौम दे उस रैया कौन ने गुरु नानक देव जी खालसा पंथ दे उस रैया गुरु गोबिंद सिंह जी ठीक है उसारन वाले इसे तरह एक वर्ड हुंदा है मुल्खैया जड़ा जमीन जायदाद वाला होवे मुल्खैया जिहदे कोल बहुत सारी जमीन जायदाद होवे मिल्क होवे जिहदे कोल यह तो पिछेत्र है गवैया नेक्स्ट वर्ड इज आई लिसन आई दे नाल भावे तुसी वर्ड बना सकते हो आदि आवाज वाले जा आई पूरा लिख के फॉर एग्जाम्पल गुर जमा आई गुरियाई गुरियाई चंग्याई सच्चाई बुराई ठीक है इस तो इलावा पढ़ाई पढ़ जमा आई पढ़ाई ठीक है देन कमाई कम जमा आई कमाई इस तरह भी बना सकते हो भावे आदि आवाज वाले बना लो एदा भी आ सकता है सच्चाई आ देखो सच्चाई एदा भी बना सकते हो जिदा मर ठीक है पर जे तुसी पूरा लिसन जे तुसी पूरा आई वाले बनाने तो सारे तीनों ओ जे बनने चाहिए नहीं तो वो ईजीली वो बना लो पढ़ जमा आई पढ़ाई आदि आवाज कम जमा आई कमाई भला जमा आई भलाई सच्चाई सच जमा आई सच्चाई लिख जमा आई लिखाई ठीक है लिखाई भी हो सकता ये जरूरी नहीं है बुक वाले लर्न करने हैं वोकैबुलरी थोड़ी इनक्रीज होनी चाहिए ते मीनिंगफुल वर्ड बनने चाहिए नेक्स्ट वर्ड इज आप बाकी बेटे नेक्स्ट क्लास करांगे धरती कविता रिवाइज कर लेना थैंक यू सो मच